Please subscribe the channel and press the bell icon for daily updates. Today is 5th June and it's a Friday. So let's start the analysis of the newspaper The Hindu. आज की पहली न्यूज़ है इंडिया चाइना डायलॉग टू फोकस ऑन 3 एरियाज. जो इंडिया चाइना के बीच में वर्चुअल मीटिंग होने वाली है वो 3 मेन एरिया पे फोकस करेगी. द फर्स्ट एवर टॉक्स न्यूज़ में यही बताया गया है कि द फर्स्ट एवर टॉक्स बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज लेफ्टिनेंट जनरल्स ओवर द वीकेंड टू ईज द टेंशन ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC. जो LAC पे क्या कहते हैं बात होने वाली है, क्या कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स की, क्या कहते हैं ये जो टेंशन हो रहा है कि वहाँ की आर्मी आ जा रही है बार बार LAC पे, तो क्या कहते हैं इसी पे बात होने वाली है. वो मेनली क्या कहते हैं बात करेगी, क्या कहते हैं ईस्टर्न लद्दाख वाले एरिया के बारे में, कि विद द एम ऑफ मूविंग बैक टू द अर्लियर पोजिशंस, जिससे जो पहले पोजिशंस थी उसी पोजिशन में दोनों आर्मी वापस चली जाए अपनी अपनी जगह. द फोकस ऑफ द टॉक विल बी ऑन द गलवान एरिया, पैंगोंग, टिसू एंड गोगरा. द एजेंडा विल फोकस ऑन द रिसेंट यूज़ ऑफ फोर्स getting back to the position before May 5 and subsequent de-induction of troops by China. ये बात होगी क्या कहते हैं गलवान एरिया, पासंग टू और गोगरा के बारे में, कि वहाँ की आर्मी जो चाइना आर्मी आ गई है क्या कहते हैं LAC पे, जो क्या कहते हैं उसी को कि जैसे 5th में से पहले था वैसे ही वापस हो जाए. द जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC ऑफ द लेह हेडक्वार्टर 14 कोर्स विल लीड द इंडिया डेलीगेशन एट द टॉक्स टू बी हेल्ड एट द चुशुल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट ऑन द चाइनीज साइड. क्या कहते हैं ये टॉक होगी चुशुल मोल्डो लीड क्या कहते हैं बॉर्डर पे, जो क्या कहते हैं चाइनीज साइड पे है, वहाँ पे ये बात होगी. इसमें क्या कहते हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग होंगे और उनके साथ 14 कॉप्स और होंगे. दीज आर द फर्स्ट एवर टॉक्स एट द लेवल ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल्स. ये ऐसी पहली बार ऐसी टॉक होने वाली है. और इस पॉइंट को नोट रहेगा कि क्या कहते हैं ये किस बारे में, किस एरिया के बारे में होगी, कि टिसो, गलवान और गोगरा जो लद्दाख में है और नाकुला जो सिक्किम में है, इन सब 4 जगहों के बारे में बात होगी. अब इन एरिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं. हाँ ये है, आज से 5 जून. आप क्या कहते हैं क्वेश्चन आर क्या कहते हैं टेलीग्राम में डाल के इस आइकन को देख लीजिए, फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे. व्हाट इज़ LAC? वेर इज नाकुला? नाकुला इज़ अ पास एट अ हाइट ऑफ मोर देन 5000 meters अबव मीन सी लेवल इन स्टेट. नाकुला एक क्या कहते हैं 5000 meter ऊँची है जगह, क्या कहते हैं मीन सी लेवल से ऊपर सिक्किम में ऐसी जगह है. और ये कहते हैं मुगुदंग और चोलंगू सोर्स ऑफ जो रिवर तीस्ता है उसके आगे हैं, अहेड ऑफ मुगुदंग. द अदर पास इज लोकेटेड इन द स्टेट. जो और ये तो एक पास है, वैसे ही और भी कई पास हैं सिक्किम में, जैसे नाथुला पास और जेलेपला पास. ये तीनों याद करने वाला है कि नाकुला पास और ये नाथुला पास, जेलेपला पास, ये पेपर में पूछ लेते हैं पास से कभी, सिक्किम के पास इस ज्योग्राफी सेक्शन में पूछ लिया जाता है. तो पैंगोंग टिसू लेक ये क्या होते हैं देख लेते हैं. ये 135 किलोमीटर लॉन्ग लेक है, इंडिया टू चाइना है, और इसकी हाइट लगभग इन लोकेटेड ना हिमालय एट अ हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4350. ये उतनी ऊंचाई से 4350 किलोमीटर की ऊंचाई से बहना चालू करती है इंडिया टू चाइना. 1/3 ऑफ वाटर बॉडी इट्स 45 meters इज इन इंडियन कंट्रोल. उसमें से 135 किलोमीटर लॉन्ग लेक में 45 किलोमीटर इंडियन कंट्रोल है, उसमें इज इन इंडियन कंट्रोल, वाइल द रेस्ट ऑफ द 90 और 90 किलोमीटर चाइनीज के पास कंट्रोल. ये फॉर्म की गई थी 33 जियोस्लाइन के द्वारा. इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक. ये सॉल्ट वाटर लेक है और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इसका, इसका सिग्निफिकेंस है स्ट्रेटेजिक पैंगोंग टिसू लेक का. बट इट्सेल्फ द लेक डज नॉट हैव मेजर टेक्टिकल सिग्निफिकेंस, बट इट लाइज इन द पाथ ऑफ द चुनचुल अप्रोच, वन ऑफ द मेन अप्रोचेज दैट चाइना कैन यूज फॉर एन ऑफेंसिव इन टू इंडिया हेल्ड टेरिटरी. अब इंडिया चाइना बॉर्डर देख लेते हैं. इंडिया चाइना बॉर्डर लगभग 3500 लॉन्ग बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में. अनफॉर्चुनेटली द एंटायर बाउंड्री इज डिस्प्यूटेड. पूरी बाउंड्री डिस्प्यूटेड है. कहते हैं लाइन विच डेलिनेट्स द बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्री इज पॉपुलरली कॉल्ड एज मैकमोहन लाइन. वो कहते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर को मैकमोहन लाइन, जानते ही तो सभी जानते होंगे. ये रखा गया था नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे. इन 1920
द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड अ ट्रिपार्टिट कॉन्फ्रेंस इन विच द कंट्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत वॉज फॉर्मलाइज आफ्टर अ डिस्कशन बिटवीन द इंडियन एंड टिबिटेंस, कि 1913 में भाई कि इंडियन और तिब्बतन के बाद बीच में बात हुई थी और एक कन्वेंशन वॉज डेवलप विच रिजल्टेड इन द डिमिनेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी बाउंड्री, और भाई कि डिलिमिटेशन हो गई थी इंडिया और तिब्बतन बाउंड्री के बीच में। दिस बाउंड्री इज हाउएवर डिस्प्यूटेड बाय चाइना विच टर्म इज इट लीगल इलीगल, और चाइना के द्वारा इसे इलीगल माना जाता है। इन 1957 चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था अक्साई चिन को और वहाँ से एक रोड बना दी थी। फिर क्या कहते हैं, 1962 में जब बॉर्डर वॉर हुआ तो फिर वो उसको कंट्रोल किया गया। द बाउंड्री विच केम इन टू एक्सिस्टेंस ऑफ द वॉर केम टू बी नोन एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और फिर उस लाइन को जो क्या कहते हैं जो चाइना ने जगह कब्जा ली थी अक्साई चिन की 1957 में, वही उसके 1962 के बाद वॉर को उसको लाइन बना दी गई, उसे ही कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द इशू, द अप्रोचमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज इन 1977 इनेबल्ड इंडिया चाइना टू इनिशिएट हाई लेवल बॉर्डर टॉक 1981, वही कि अप्रोचमेंट जो 1976 में, फिर उसके बाद 1981 से टॉक होने लगी, लेकिन आफ्टर 8 राउंड के बाद 1987 में वो भी ख़त्म कर दी गई। फिर 1988 में जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी चाइना गए तो वहाँ पे जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की बात कही गई कि प्रॉब्लम बॉर्डर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। इन 1993 द एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्रीमेंट किया गया मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए, क्या कहते हैं जो LAC है उस पर, उसके लिए 1993 में एग्रीमेंट किया गया। फिर उसके बाद 1996 में एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की उस मिलिट्री फील्ड में अलॉन्ग द कहते हैं LAC के अलॉन्ग कहते हैं वही कि उसके लिए एग्रीमेंट रख किया गया। फिर 2003 में फिर किया गया, फिर 2009 में किया गया, फिर क्या कहते हैं अभी जब NSA में अजीत डोवाल हैं उनको कहते हैं अपॉइंट किया गया इस स्पेशल एनवाय फॉर टॉक, ये बातचीत करने के लिए उन्हें रखा गया है अजीत डोवाल को NSA के। देखते हैं अगली न्यूज़। ये न्यू SOP फॉर होटल्स मॉल्स, क्या कहते हैं नए कंडीशन बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं क्या कहते हैं होटल और मॉल्स के लिए। आप सभी जानते होंगे जैसे कि 8 जून से सब खुलने का है कि होटल मॉल्स रिलीजियस प्लेसेस ये सब खुलेंगे, वही वैसे ही कुछ प्रोसीजर बनाए गए हैं स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर होटल और मॉल के लिए। क्या कहते हैं होटल में कमरा वही लोग ले पाएंगे जो क्या कहते हैं परफेक्टली फिट होंगे, जिनको कोविड केसेस नहीं होंगे वही सब कमरा ले सकते हैं, और क्या कहते हैं वहाँ पे सैनिटाइजेशन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। और इसमें ये भी कहा गया कि इस अभी क्या कहते हैं जो 65 ईयर्स से ऊपर लोग हैं, बड़े लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा है, और क्या कहते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जो बच्चे हैं 10 साल से छोटे, उनको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, उनको क्या घर में ही रहें वो लोग, और क्या कहते हैं घर में ही सेफ रहेंगे, यही इसमें बताया गया। और ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू किया गया है ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, और क्या कहते हैं कंटेनमेंट जोन में ये सब नहीं खोले जाएंगे, होटल मॉल रिलीजियस प्लेसेस ये सब वहाँ नहीं खोले जाएंगे, सिर्फ जहाँ पे जो कंटेनमेंट जोन नहीं है वहीं पे ये खोले जाएंगे। अब देखते हैं अगली न्यूज़। स्मॉल ड्रॉप इन जॉबलेसनेस इन 2018-19 ऐसा PLFS ने कहा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, PLFS क्या होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसमें बताया गया कि इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इम्प्रूव फ्रॉम द 45 ईयर हाई ऑफ 6.1% इन 2002, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 45 साल से वो कम हुआ है अब जाके 6.1% जो 2017-18 में था वो अब 2018-19 में 5.8% है, कोई इससे ज़्यादा रिसेंट कोई अभी आया नहीं है, 19-20 का अभी आया नहीं है। तो क्या कहते हैं जब क्वेश्चन राइटिंग में आएगा तो आप 2018-19 को मेंशन कर सकते हैं। और ये क्या कहते हैं ये रिलीज़ किया गया, ये किसके अंडर आता है, कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। द लेबर फोर्स पटली रेट ऑल्सो इम्प्रूव मार्जिनली फ्रॉम 36.9%, जो 36.9% था लेबर फोर्स वो 37.5% वो बढ़ गया लेबर फोर्स 2018-19 में। द लेबर फोर्स इज डिफाइंड एज पीपल हु आर वर्किंग और सीकिंग वर्क और अवेलेबल फॉर वर्क। द लेबर फोर्स वही होते हैं कि जो काम की इच्छुक हो या जो काम के लिए खोज कर रहे हो या जो काम कर रहे हो या जो काम कर सकते हो वो लेबर फोर्स होता है। वुमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट फेल फ्रॉम वुमेन का एम्प्लॉयमेंट कम कम हुआ है 5.7% टू 5.2%,
ये काफ़ी अच्छा डिक्रीमेंट है। और जो मेल का अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ 6.2% to 6%, ये तो छोटा ही डिक्रीमेंट है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट वॉज स्टिल एट हाई ऑफ 7.7% इन अर्बन एम्प्लॉयमेंट, तो कहते हैं बढ़ा ही है, नहीं अर्बन एम्प्लॉयमेंट भी घटा है थोड़ा, उसका लिटिल चेंज आया सर, और रूरल एम्प्लॉयमेंट भी घटा है उसमें भी। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देख लेते हैं ये स्कीम्स। वॉट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स वेन अ पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इज अनेबल टू फाइंड वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट वही होता है कि जो एक कोई आदमी है वो काम की खोज कर रहा है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO डिफाइंस एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटी स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। वर्किंग, इंगेज इन इकोनॉमिक वर्क एक्टिविटी, वही एम्प्लॉयड कहलाते हैं। और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, जिनको खोज कर रहे हो काम की वो अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं, नाइदर सीकिंग नॉट अवेलेबल फॉर वर्क। ठीक, द फर्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूट लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट रेट इज द परसेंट ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज विदाउट वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? अनएम्प्लॉयड वर्कर्स अपॉन टोटल लेबर फोर्स, जो टोटल हैं जो काम करना चाहते हैं और जो काम की खोज कर रहे हैं वो टोटल लेबर फोर्स हो गया, और जितने अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स अपॉन टोटल लेबर फोर्स इंटू 100, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ अ फिनोमेना वेयर मोर पीपल आर अनएम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। इट इज़ प्राइमरी ट्रेज इन द एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टन सीजन ऑफ द ईयर एग्रीकल्चर लेबर्स दे हैव वर्क थ्रू। ये डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है जो क्या कहते हैं कुछ सेक्शन में होता है, कुछ सीजन में होता है, जैसे जो सीजनल लेबर होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं वो क्या कहते हैं कुछ सीजन में काम करते हैं और कुछ सीजन में उनको काम ही नहीं मिल पाता, तो ये डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट। कि भाई कि मैनी पीपल डू नॉट गेट जॉब ड्यू टू लैक ऑफ रिक्विजिट स्किल्स, कि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट वो होते हैं जिनके पास क्या कहते हैं कुछ लोग होते हैं जिनके जिनके पास पुअर एजुकेशनल लेवल होती है, जो क्या कहते हैं जो ज़्यादा जिनके पास स्किल्स नहीं होती हैं क्या कहते हैं, तो उनको वो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट राइज़ेस ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिक्लाइंस विद इकोनॉमिक ग्रोथ इन द अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ फ्रॉम दैट मोस्टली फाउंड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। वही कि बिजनेस साइकिल के कारण जो होते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट राइज जो रिसेशन के कारण राइज होते हैं तो उसके कारण नहीं हटा दिया जाता लोगों को, तो वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज लॉक ड्यू टू चेंजेस, कि टेक्नोलॉजी के कारण भी क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट आता है, जैसे किसी फैक्ट्री में पूरी टेक्निकली हो जाए कि पूरी मशीन वर्क हो जाए तो वहाँ से वर्क हटा दिया जाएंगे, तो वो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। 2016 के हिसाब से वर्ल्ड बैंक डाटा प्रेडिक्टेड द प्रोपोर्शन ऑफ जॉब थ्रेटन्ड बाय ऑटोमेशन इंडिया इज 69% ईयर ऑन ईयर, 69% काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है वर्ल्ड बैंक डाटा बताया गया। जो एक आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कहते हैं इसको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। रिफर्स टू द टाइम लैग बिटवीन द जॉब्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और स्विचिंग बिटवीन द जॉब। ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है कि जो क्या कहते हैं कोई इंसान किसी जॉब की खोज कर रहा हो या कई जॉब में स्विच कर रहा हो, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट दिस पीपल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट पीपल वर्किंग इनफॉर्मली विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दस सेंस एनी लीगल प्रोटेक्शन। ये एम्प्लॉयमेंट वही होता है अनएम्प्लॉयमेंट वही होता है कि जब कि जो कहते हैं जो हमेशा काम कर रहे हैं इनफॉर्मली काम कर रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो कोई बॉन्ड वॉन्ड ना हो, तो वैसे जो लोग काम करते हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब देखते हैं अगली न्यूज़। अब आती है ये NGT asks UPPCB to submit report. UPPCB क्या है? उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये इस न्यूज़ में यही बताया गया है कि मेरठ स्टेडियम में जो मेरठ का स्टेडियम बना है वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होने लगा है, तो उसको हटाने के लिए ये NGT ने UPPCB को रिपोर्ट भेजी है, तो इसमें यही बताया गया है। हमने कल भी देखा था कि NGT क्या होता है, आप क्या कहते हैं नोट्स में देख सकते हैं हमारे NGTP के बारे में। हम देखते हैं आज का एडिटोरियल। आज के की दोनों एडिटोरियल में US और चाइना के बारे में ही बताया गया है। स्काई रॉकेटिंग टेंशंस, द US गवर्नमेंट डिसीजन टू बार पैसेंजर प्लेन्स फ्रॉम चाइना
फ्रॉम जून 16 ये ज़्यादातर इंस्टेंस ऑफ राइजिंग टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। इसमें वही बताया गया कि जैसे यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जून 16 से चाइना से सारी फ्लाइट बंद कर देगा, ये भी क्या कहते हैं टेंशन बढ़ा देगा इन दोनों कंट्री के बीच में, जो एक कोल्ड वॉर आप देख ही रहोगे कि यूएस एंड चाइना मस्ट रिबिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट टू अवॉइड न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर। ये क्या कहते हैं यूएस और चाइना के बीच में एक कोल्ड वॉर टाइप का होने वाला हो रहा है, क्या कहते हैं उनको म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना पड़ेगा तभी ये कोल्ड वॉर रुक पाएगा। द यूएस ऑल्सो हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू एंड हांगकॉन्ग स्पेशल ट्रेड स्टेटस इन प्रोटेक्ट अगेंस्ट बीजिंग मूव्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। कि भाई कि यूएस ने एक और एंड किया है हांगकॉन्ग स्पेशल ट्रेड स्टेटस भी एंड कर दिया है यूएस ने। एक लुक्स ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज लड़ रही हैं, एक कोल्ड वॉर उन दोनों के बीच में हो गया कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री और वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट जो है दोनों के बीच में कोल्ड वॉर है। चाइना हैज़ ऑलरेडी सेंट सिग्नल्स ऑफ डिस्कलेशन अलाउंग फॉरन एयरलाइंस टू रिज्यूम फ्लाइट्स ऑन ए लिमिटेड स्केल स्टार्टिंग जून 8। चाइना ने ये तो पहले ही कह दिया है कि पहले सिग्नल ऐसे दे दिए हैं कि वो जून 8 से सारी फ्लाइट रिज्यूम कर देगा धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्केल में। चाइना विच अ पेंटागन कॉल्ड अ रिवेसिव पावर इन 2018 इज द मेन राइवल ऑफ वॉशिंगटन। चाइना एक क्या कहते हैं रिवेलिस्ट पावर जिसको कहा गया तो वो मेन राइवल वाशिंगटन अपोजिशन विच द सोवियत नेशन हेल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। वैसे ही उसकी पोजिशन बना दी कि जैसे सोवियत नेशन की सोवियत यूनियन की थी कोल्ड वॉर के समय। अनलेस द लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज एंड चेंज देयर कोर्स एंड रीबिल्ड द मोस्ट लॉस्ट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर कुड बी फोर्स अपॉन द वर्ल्ड। अगर इन दोनों कंट्रियों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं डेवलप हुआ तो दोनों के बीच कोल्ड वॉर क्या कहते हैं काफ़ी भयानक स्थिति में आ जाएगा, तो काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इससे इन दोनों को क्या कहते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना पड़ेगा तभी ये कोल्ड वॉर रुकेगा। इस आर्टिकल में यही दिया गया कि अ चिल इन यूएस चाइना रिलेशन अ बाइनरी चॉइस बिटवीन द यूएस एंड चाइना इज लाइकली टू टेस्ट इंडियाज कैपेसिटी टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक एंड डिसीजनल ऑटोनॉमी। इसमें बताया गया कि असली ऑफ द रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ चाइना बाय यूएस प्रेसिडेंट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपटीशन बिटवीन द यूएस एंड चाइना इज लाइकली शार्पन इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। जो अनाउंसमेंट किया गया है यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा मिस्टर ट्रंप के द्वारा वो ऐसा लग रहा है कि कोरोना के बाद पोस्ट कोविड कोरोना वर्ल्ड में क्या कहते हैं ये इन दोनों के बीच में कंपटीशन काफ़ी अलग से दिखेगा कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन है और एक कोल्ड वॉर टाइप का है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो पॉज्ड एन ऑर्डर लिमिटिंग द एंट्री ऑफ सर्टेन चाइनीज ग्रेजुएट एंड रिसर्चर हु हैव मेड टाई टू द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ऐसा भी कहा गया है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ये भी पास किया कि क्या कहते हैं कुछ लोगों की एंट्री रोक दी गई, कुछ चाइनीज़ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की एंट्री रोक दी गई और रिसर्चर्स की भी रोक दी गई है जो क्या कहते हैं पीपल लिबरेशन आर्मी से एसोसिएट वो टाइज थे जिनके साथ एसोसिएट थे। द चाइनीज फर्म्स लिस्टेड इन यूएस स्टॉक मार्केट एंड वॉन डोज डू नॉट कम्प्लाई विद द यूएस लॉ कुड बी डीलिस्टेड। और ऐसा भी कहा गया कि जो चाइनीज़ फर्म्स हैं जो ये यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्ट थे जो क्या कहते हैं रेगुलेशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं उन यूएस लॉज को नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको डिलिस्ट कर दिया जाएगा उनको हटा दिया जाएगा। इसमें वही सब दिया कि यूएस और चाइना के बीच में द चाइना इज़ बिल्डिंग एन अल्टरनेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। चाइना एक अल्टरनेटेड ट्रेडिंग सिस्टम बनाया द बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव अ मल्टीलेटरल बैंकिंग सिस्टम अंडर इट्स कंट्रोल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक इट्स ओन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वीडियो डिजिटल पेमेंट वो पेमेंट के लिए प्लेटफॉर्म्स ने बना लिया वी चैट पे और अली पे अ वर्ल्ड क्लास डिजिटल नेटवर्क हुआई 5G भी उसने बना लिया है कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग सनराइज इंडस्ट्री एंड अ मॉडर्न मिलिट्री फोर्स। ये सनराइज इंडस्ट्री क्या है ये तो बाकी आप समझ गए होंगे ये सनराइज इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। ही हैज़ कॉल्ड चाइना आउट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस ही हैज़ कॉल्ड चाइना आउट ऑन 5G। उसने क्या कहते हैं 5G को भी रोक दिया है और क्या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट डेट हैज फॉर द फर्स्ट टाइम क्लब चाइना अलॉन्ग विथ रशिया एज अ चैलेंज टू अमेरिकन पावर इन्फ्लुएंस एंड इंटरेस्ट। हिज रिसेंट चाइना स्पेसिफिक
रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड लीगल माइग्रेशन आर पॉसिबली ओनली द बिगनिंग ऑफ अ सीरियस रिजस्ट रीएडजस्टमेंट। इन दोनों के बीच में ऐसा कोल्ड वॉर टाइप का बन चुका है, इसको कहते हैं, वो ये पूरा आर्टिकल उसी के बारे में दिया गया है। अब देखते हैं अगला आर्टिकल, ये किलिंग वजह। जैसे आप सभी जानते होंगे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है कि एक एलिफेंट, प्रेगनेंट एलिफेंट को क्या कहते हैं, वो फूड बॉम्ब से मर गया है, डेथ हो गई है। अ कल्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन लेड टू द पेनफुल डेथ ऑफ एन एलिफेंट इन केरला। केरला में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट पाए जाते हैं और वहाँ पे क्या कहते हैं, वही इसमें दिया गया है कि द डेथ ऑफ एन प्रेगनेंट एलिफेंट इन केरला द ट्रीशियस यूज ऑफ अ फूड बॉम्ब कॉजिंग वाइड स्प्रेड रिवल्शन इन एंगर। क्या कहते हैं, जो फूड बॉम्ब के कारण प्रेगनेंट वुमेन, वो प्रेगनेंट एलिफेंट की डेथ हो गई है, उसके कारण लोग काफ़ी गुस्सा हैं और काफ़ी आक्रोश में हैं। स्कोर्स ऑफ एलिफेंट्स आर किल्ड एवरी ईयर इन इंडिया एज देयर पाथ क्रॉस द ऑफ वुमेन बट द इमेज ऑफ अ मोर्टेलिटी वुंडेड एनिमल स्टैंडिंग एपेसिवली इन अ रिवर इन पका इज लाइफ एबिट आउट ऑफ डिटरमेंट इम्प्रेडेंट ऑन माइंड। ऐसा पहली बार हुआ है कि क्या कहते हैं, एलिफेंट रोज हर साल मरते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई फूड बॉम्ब के कारण एलिफेंट मरा, वो भी प्रेगनेंट वुमेन। वो भी प्रेगनेंट वुमेन फूड बॉम्ब के साथ वो नदी में खड़ा था, पलक्कड़ नदी में खड़ा था, तब उसकी मौत हो गई उसमें। क्या कहते हैं, ये काफ़ी दुखद घटना है और ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग समझना चाहिए कि वो भी एक वो जीव है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें वही सब बताया गया है और ये क्या कहते हैं, लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा चढ़ गया है वहाँ पर, ऐसा लोगों को बुरा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। देखते हैं अगली न्यूज़। द इंडियन ऑस्ट्रेलिया मीट स्ट्रेंडन राइस डाइस। ये आपने देखा होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, क्या कहते हैं, बात हुई है, क्या कहते हैं, एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई गई है वर्चुअल समिट के द्वारा। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और स्कॉट मॉरिसन, इसमें 9 एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं। इसमें ये भी है, एक है क्या कहते हैं कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट और एक जॉइंट डिक्लेरेशन बनाया गया कि शेयर्ड विजन फॉर मैरिटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो स्पेसिफिक। इसमें वही बताया गया कि टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे जिससे वो उनकी टेक्नोलॉजी भी हम भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ नया बना पाए। इसमें 2+2 फॉर्मेट का भी किया गया है, बायलेटरल मीटिंग टू द लेवल ऑफ फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर हु विल मीट टू डिस्कस स्ट्रेटेजिक इशू एट लीस्ट टू एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल में मिलेंगे जरूर डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर, कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज को रिसॉल्व करने के लिए। बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया शेयर अ विजन ऑफ फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल्स बेस्ड इंडो स्पेसिफिक रीजन टू सपोर्ट द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ये लोग इसमें ये भी बात कही है कि इंडो स्पेसिफिक रीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी ये मीटिंग हुई थी। इसमें क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लॉज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज। ये नोट करिएगा UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सीज, ये क्या है ये देखते हैं। कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी डिफाइंस द राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर यूज ऑफ वर्ल्ड ओशियंस। इसमें वही बताया गया है कि इसमें कि कैसे क्या कहते हैं, लॉज ऑफ सीज हैं जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर नेशन की बताते हैं टूवर्ड्स जो क्या कहते हैं वर्ल्ड ओशियंस। कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स एक्सक्लूसिव इन्फोर्समेंट जो रिजिक्शन फॉर सिक्योरिटी एंड ऑल अदर मेसर्स, कंटिन्यूस जोन्स के लिए, हाई सीज के लिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इन सब के लिए बताया गया इस लॉज में। देखते हैं अगली न्यूज़। हाँ, सेंटर लॉन्चेस इंटर्नशिप स्कीम फॉर 25,000 ग्रेजुएट्स। सेंटर ने स्कीम लॉन्च किया है क्या कहते हैं इंटर्नशिप की, जो प्रोवाइड कराएगी 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप। इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये नहीं बताया गया अभी तक कि स्टाइपेंड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस इंटर्नशिप होगी उनको स्किल प्रोवाइड कराने के लिए। ये क्या कहते हैं, एक ये बात हुई है जब लॉन्च हुआ है ट्यूलिप का, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम पोर्टल, थर्सडे को जो लॉन्च हुआ ट्यूलिप का, तब ऐसी बात की गई है। ये एक जॉइंट वेंचर है MOHUA और एक ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में ये बताया गया है कि एक सेंटर क्या कहते हैं एक स्कीम लॉन्च किया जाएगा, इंटर्नशिप स्कीम, जिससे 25,000 लोगों को
इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, लेकिन स्टाइपेंड मिलने की अभी बताई नहीं गई है। वंदे भारत मिशन सेट टू ब्रेक एविएशन रिकॉर्ड। वंदे भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है, जैसे ड्यूरिंग जब गल्फ वॉर था तो एयर इंडिया ने 1.76 लाख नेशनल को वापस लाए थे बाकी कंट्रियों से, और उस रिकॉर्ड को तोड़ा है वंदे भारत मिशन ने, जिसने 3.5 लाख स्टूडेंट्स ने को वापस लाया गया है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही सिर्फ। सो बाय बाय, थैंक यू।